मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों देखिए मेरे पैंजी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग इस समय हो रही है। तो दोस्तों आज जो है मेरा टॉपिक जो है पैंजी का फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, आज हम बात करेंगे कोलियस के प्लांट के बारे में। तो दोस्तों आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही प्यारी रंग बिरंगी पत्तियों वाले कोलियस के प्लांट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए मेरे पास कितने ही कलर के अलग अलग डिफरेंट कलर के कोलियस हैं। कोलियस की खासियत ही यही होती है इसकी रंग बिरंगी पत्तियाँ, जो आपके गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट ना होते हुए भी आपके गार्डन को सजाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कोलियस का पौधा जब हम एक बार लाते हैं नर्सरी से, उसके पास लगभग साल भर होते होते उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। आप देखिए पूरे प्लांट लैगी लैगी हो जाते हैं और प्लांट में ना ही शाइनिंग रह जाती है, ना ही उसकी पत्तियाँ उतनी खूबसूरत रह पाती हैं जैसा कि कोलियस के प्लांट के बारे में, जो कि उसकी एक मतलब विशेषता ही है कि उसकी रंग बिरंगी पत्तियाँ। तो दोस्तों किस तरह जो है हम एक बार नर्सरी से कोलियस का प्लांट लाएँ और उसके बाद सालों साल अपने गार्डन में बिना जो है किसी खर्च के अपने ही गार्डन में अपने से ही खुद से तैयार करें कोलियस के प्लांट को और बहुत अच्छी तरीके से सालों साल हमारे पास कलेक्शन बना रहे। क्योंकि जो कोलियस का प्लांट होता है बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो कोलियस का प्लांट सालों साल हमारे गार्डन में बना रहेगा। क्योंकि सबसे पहले आती है, हम जो है पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहली बात आती है मिट्टी की। कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसके लिए जो है ऐसी मिट्टी चाहिए जो कि वेल ड्रेन हो लेकिन उसमें मॉइस्चर होल्ड हो, पानी ना रुके और मॉइस्चर होल्ड हो। ऐसी मिट्टी हमें तैयार करते समय कोलियस के प्लांट की ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमारा प्लांट हमारे गार्डन में ऐसे प्लांट लगी लगी हो गए हैं तो किस तरह से हम इसका नया बैच तैयार करें ताकि जो है हमें दोबारा नर्सरी से खरीदना ना पड़े। तो दोस्तों कोलियस की एक खास बात यह भी है कि कोलियस का प्लांट बहुत ही ईजली तरीके से किसी भी सीजन में हम इसकी कटिंग लगाएं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। चाहे हम इसकी कटिंग को शैंड में लगाएं तब भी, या हम ऐसे ही अपने पॉट की मिट्टी में जो नॉर्मल पुरानी मिट्टी होती गमले की उसमें लगाएं तब भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। इसके साथ साथ हम पानी में भी इसकी जो है कटिंग को बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने एक छोटे से प्लास्टिक ग्रो बैग में जिसमें हम नर्सरी से जो है प्लांट लाते हैं उसी में ये अपने फ्रेंड के घर से जो है कटिंग लाकर, क्योंकि ये कलर मेरे पास नहीं था, लगा दिया था। और जो है ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो इसको जो है हम अपने जो है पॉट में रिपोर्ट कर देंगे तो कितना ही अच्छा हमारे पास एक हेल्दी प्लांट और बहुत ही नई नई पत्तियों वाला तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से जो है हम कोलियस के प्लांट को तैयार करें अपने घर में मैं ये बताती हूँ। कुछ मैं इसके पहले आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगी। दोस्तों ये देखिए मैंने जो है क्योंकि सारे प्लांट लगी हो रहे थे इसलिए कटिंग के द्वारा मैंने बहुत से अपने जो है प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसे हम तैयार करें जो है इनकी कटिंग, आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी किस तरह की ब्रांच को हम लें और तैयार करें। तो इसको ईजिली जो है हम यह देखिए मैंने हाथों से ही कट कर लिया है क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या कहते हैं टूट जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो शुरुआत की ब्रांच होती है उसे हमें ले लेना है। और इसी तरह देखिए ये सैंड में मैंने जो है ग्रो किया है तो ईजली इसको इसी तरह से दबाते हुए मैंने लगा दिया है। और एक ख़ास बात ये भी है कि हमारे इन जो है कटिंग में बहुत जल्दी जो है रूट डेवलप हो जाती है, कम से कम हफ्ते से 10 दिन में जो है हमारी बहुत अच्छी रूट डेवलप हो जाती है। आप दोस्तों देख सकते हैं ये सर्दियों का मौसम है जबकि रूट बहुत ही कम डेवलप होती है, इस समय जो है कटिंग किसी भी प्लांट की जो है अच्छे से नहीं डेवलप होती है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये 10 दिन पहले मैंने लगाया था, इसकी कितनी अच्छी ब्रांच, इस ब्रांच में कितनी अच्छी जो है रूट डेवलप हो गई है। तो दोस्तों
बहुत ही, तो इस तरह से जो है हम अपने लैगी पेड़ को जो है तो कटिंग के द्वारा उनकी बहुत सारे जो है फ्री में तैयार कर सकते हैं जो है पौधे, और अपने गार्डन में एक नया लुक देने के लिए ना चाहे जितने ही गमले हम तैयार करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस समय जो है मेरे पास 15 से अबाउट 15 कलर मेरे पास कोलियस के हैं। ये देखिए जब ये मेरे जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेरे ये पेड़ बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, लगी लगी सा टूट गया था, तब मैंने जो है इसकी कटिंग के द्वारा तैयार कर दिया था। दोस्तों कोलियस में कुछ ऐसी वैरायटी भी आती हैं जिन्हें कि जो है हम हैंगिंग बास्केट में भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत लगी लगी सा, ये इसकी जो है स्टेम बहुत बहुत ही सॉफ्ट और नॉर्मल होती है जो कि झुक जाती है, तो इसे हम इस वैरायटी के कोलियस को जो है हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सारा अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक देती है। इसका कलर देख सकते हैं कितना ही प्यारा आता है। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा मिट्टी में तैयार किया हुआ पुरानी खाद में तैयार हुआ है कटिंग, आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी दिन पहले मैंने लगा दिया है, ये मेरे पेड़ कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। कोलियस के प्लांट को जो है पिंचिंग करके बहुत अच्छी तरीके से घना बनाया जा सकता है बूसी, ये एक बहुत इजी तरीके से डेवलप होने वाला प्लांट है। इसकी कटिंग को पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पानी में जो है बस वही है कि शुरुआत की टिप्स ये लेकर इन्हें पानी में डाल दें, साफ पानी में, उस पानी में थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दें, और अगर आपके पास हो तो रूटिंग हार्मोन पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आप बना के उसमें ऐड कर दीजिए और वो पानी 4 से 5 दिन के बाद बदल दीजिए, फिर नए पानी में यही प्रोसेस करिए, तो 10 दिन के अंदर आपकी कोलियस के ब्रांचों में बहुत ही अच्छी रूट डेवलप हो जाती है। अब मैं इस बार इसके सारे कटिंग से पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं और मैं इसकी पूरी जो है कटिंग करके गमले की मिट्टी सुखा के फिर से रीजनरेट करके भरूंगी और जो मेरे नई कटिंग तैयार है उन्हें जो है लगा दूंगी। तो इस तरह से मेरे गार्डन में जो है कोलियस का प्लांट भी बना रहेगा और ये पुराने लगे से प्लांट को मैं हटा दूंगी। तो दोस्तों इसी तरीके से क्योंकि कोलियस का प्लांट साल भर से ज़्यादा एक पेड़ जो है साल भर से ज़्यादा एक गमले में बहुत अच्छी तरीके से नहीं रहता है, तो दोस्तों इसे जो है हटाना ही पड़ता है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से जो है कटिंग तैयार करके एक से अधिक कटिंग तैयार कर लें और अपने जो है गार्डन में कोलियस को बनाए रखें और बार बार जो है ख़रीदने से बचें, और इसके साथ ही साथ सालों साल आपके गार्डन में नया कलेक्शन बना रहेगा। तो दोस्तों अगर कोलियस के बारे में आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।